हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया की तरफ से। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, और जो आज का टॉपिक है वो है मुदालियर कमीशन। जी हाँ, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, तो ये कमीशन आपको बिल्कुल मिल जाता है। आपको पढ़ना पड़ता है, और इस कमीशन की बात करें तो इस पर पूरी एक बुक छपी पड़ी है। बट मैं आपके लिए इतना कंटेंट लाया हूँ कि अगर आप बीएड में हैं तो 16 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन तो बिल्कुल आता ही आता है मुदालियर कमीशन का, या 8 का तो आता ही आता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मैं आपके लिए इतना कंटेंट लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा पूरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो मुदालियर कमीशन है, हम मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इसके दो नाम थे, पहला नाम मुदालियर कमीशन और दूसरा नाम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो कई बार जो क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर एग्ज़ाम हॉल में, तो अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो आप घबराइए मत, मुदालियर कमीशन को ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, दोनों का नाम एक ही है। और जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज, वो सबसे पहले है कि वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन, रिकमेंडेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ, बताइए आप, मुदालियर कमीशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो ये रहेगा आज का हमारा पूरा टॉपिक जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब एक बार आप मुदालियर जी की, हमारे जो मुदालियर सर थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये इनका हम एक फ़ोटो लेकर आया हूँ मैं, देख लीजिए आप कि हमारे मुदालियर सर हैं कि आप भूल ना पाए। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन इन्होंने ही दिया है। अब देखते हैं हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन के बारे में। कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, जो सबसे बेस्ट रहेगा, और एक ये स्टोरी टेलिंग वे में है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो सबसे पहले वो है, इट इज़ नन एज मुदालियर कमीशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसका जो नाम है, एक तो इसका नाम है मुदालियर कमीशन, और दूसरा नाम है इसका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। जी हाँ, और दूसरा है, दिस इज़ अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। इस जो कमीशन की बात करें, मुदालियर कमीशन की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था। और जो मेन ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमीशन इज़ टू नो द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। इट मीन्स कि जो कमीशन का जो मेन एम था, जो मेन इसका मोटिव था, वो ये था कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इसके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और उसमें इम्प्रूवमेंट्स करना। और इसमें टोटल 9 मेंबर्स थे, यानी कि देयर वर 9 मेंबर्स इन दिस कमीशन। अब हम देख लेते हैं कि वो 9 मेंबर्स कौन कौन से थे। जो उसके पहले ये कि डॉक्टर जो लक्ष्मण स्वामी हैं, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। सो हमारे लक्ष्मण सर इसके चेयरमैन थे, एंड देर आर द 9 मेंबर्स। अगर आप इसको पेपर में लिख के आते हैं तो बिल्कुल जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो बिल्कुल बेटर वे में होगा, और जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपके एग्जाम पेपर को चेक, आपके जो आंसर शीट को चेक कर रहा होगा, वो आपके नंबर नहीं काट पाएगा। तो जो सबसे पहले हैं वो हैं हमारे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर सर, और दूसरे जो मेंबर थे वो थे डॉक्टर कालूलाल माली, तीसरे हैं डॉक्टर कैमिथ रेस्ट, चौथे हैं डॉक्टर जॉन क्रिस्टी, एंड फिफ्थ हैं के जी सईदीन, एंड सिक्स्थ हैं श्री जे ए तारूवाला, सेवन्थ जो मेंबर थे वो थे माला श्री एम टी व्यास, जो एट्थ मेंबर हैं डॉक्टर ए एम बसु, और नाइन्थ हैं डॉक्टर विलियम। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, जो पहले हैं मेंबर थे वो हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सेकंड जो मेंबर थे वो हैं डॉक्टर कालूलाल माली, जो थर्ड मेंबर हैं वो हैं डॉक्टर कैमिथ रेस्ट, और जो चौथे वो हैं डॉक्टर जॉन क्रिस्टी, फिफ्थ है डॉक्टर के जी सईदीन, सिक्स्थ है डॉक्टर श्री जे तारूवाला, सेवन्थ है डॉक्टर माला श्री एम टी व्यास, एट्थ है डॉक्टर ए एम बसु, एंड नाइन्थ है डॉक्टर विलियम। तो ये टोटल 9 मेंबर्स थे जो इस कमीशन में थे, इन्होंने इस पूरे कमीशन को चलाया था। अब हम देख लेते हैं कि इस कमीशन ने क्या क्या वर्क किए। तो कमीशन प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चनरी एंड सेंट इट टू वेरियस एजुकेशनल एक्सपर्ट एंड टीचर्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो कमीशन था, इसने एक क्वेश्चनरी बनाया, पूरा एक इन्होंने क्वेश्चनरी बनाया, और ये पूरी इंडिया के जो एजुकेशनल एक्सपर्ट थे और जो टीचर्स थे, तो इन सबको उस क्वेश्चनरी को भेजा गया। कि उसके उसमें यही था कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट्स करें, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें पर्टिकुलर और डिस्क्राइब किया गया था। तो इसको इन्होंने पूरे इंडिया के एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को और टीचर्स को भेजा। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला है जो कमीशन था, कमीशन टू
टूर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 29 अगस्त 1953। ये जो कमीशन था इसने इंडिया के बहुत सारे जो जगह थे, बहुत सारे पार्ट्स में जाके इन्होंने टूर किया, यानी कि विजिट किया स्कूलों में कि वहाँ पे क्या चल रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, सारी चीज़ों पे इन्होंने जाके वहाँ पे एक अपना यू नो कि चेक किया इन्होंने अपने आप जाके, और उसका उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी 29 अगस्त 1993 को, और सॉरी 1953 को, सॉरी गाइस, जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो 29 अगस्त 1953 को सबमिट हुई थी, और जो पेजेस थे द पेजेस वर 311 ऑफ द रिपोर्ट, उसके टोटल 311 पेज हैं जो रिपोर्ट थी, और इस पे पूरी एक किताब बनी पड़ी है। आप किसी भी, आप अगर लाइब्रेरी में जाते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में मिल जाएगा, कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाएगा, या आपको अलग से किताब मिल सकती है अगर आपको बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हैं मुदालियर कमीशन के बारे में, तो आपको पूरी किताब मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो कमीशन था, इस कमीशन ने इंडिया के डिफरेंट 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 जगह जाके इन्होंने टूर किया, विजिट किया, और इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो 29 अगस्त 1953 को सबमिट हुई थी, जिसमें 311 पेज थे। सॉरी भाई, आगे देख लेते हैं इस कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन थे। तो रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन क्या क्या थे वो देख लेते हैं। जो पहला था वो था मैथड ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का जो मैथड है वो कैसा है, तो इसके ऊपर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, वो देखते हैं। इट शुड बी हेल्पफुल टू स्टूडेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ वर्क, यानी कि जो बच्चों को काम दिया जा रहा है तो ये उस काम के साथ साथ बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होनी चाहिए, कि बच्चे जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को बर्डन की तरह ना ले, उस पढ़ाई को वो इंजॉय करें। एंड CCS शुड बी इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, और जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, वो अपने एजुकेशन में इंक्लूडिंग होना चाहिए, कि बच्चे CC एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। और उसके आगे देखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी इन एजुकेशन। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटेशन की, तो उस वक्त वर्क एजुकेशन का बहुत ज़्यादा चल रहा था, कि आप हाथ से बनाई हुई चीज़ों को लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन की बहुत ज़्यादा बात होती थी, कि बच्चों को सिर्फ थ्योरी नॉलेज मत दो, बुकिश नॉलेज मत दो, उनको बुक के बाहर की चीज़ें दिखाओ, नए नए एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, उन्हें डेमो दो कि बच्चे सीख सकें, स्टेप वाइज वो सीख सकें। और जो फोर्थ था इसका मेथड ऑफ टीचिंग का, वो था डोंट गिव ओनली बुकिश नॉलेज, इट शुड बी प्रैक्टिकल एज वेल, यानी कि सिर्फ उन्हें बुकिश नॉलेज मत दो, जैसे साइंस की क्लास है या हिस्ट्री की क्लास है तो बच्चों को म्यूजियम में लेके जाओ और बच्चों को लैब में लेके जाओ, सारी चीज़ें उन्हें प्रैक्टिकली दिखाओ, कि बच्चों को थ्योरी और बुकिश अगर दोनों नॉलेज मिलेगी तो वो जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो लॉन्ग टर्म तक उनके माइंड में रहेगा। और जो दूसरा था वो था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सेकंड रिकमेंडेशन था वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, यानी कि मदर टंग इसमें जो था वो था मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। जो हमारी मदर टंग है, मदर टंग तो होनी ही चाहिए थी, जो इंस्ट्रक्शन था यानी कि बच्चों को अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो हमारी मदर टंग तो उसमें होनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो था वो था फॉरेन लैंग्वेज शुड ऑल्सो टॉट, यानी कि जो फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जानी चाहिए थी। आगे देख लेते हैं, तो करिकुलम था, यानी कि जो उस रिकमेंडेशन में था वो करिकुलम भी था, तो उस वक्त करिकुलम कैसा होना चाहिए था इसके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जो करिकुलम था, इट शुड बी फ्लैक्सीबल सो दैट स्टूडेंट्स कैन चूज देयर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, यानी कि जो करिकुलम था वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए था, कि बच्चे अपने इच्छा अनुसार यानी कि जो बच्चा पढ़ना चाहे उन सब्जेक्ट्स को वो पढ़ सके, उन्हीं सब्जेक्ट को वो चूज कर सके। एंड दूसरा था, इट शुड बी इंक्लूडेड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़। जो करिकुलम था वो सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लासरूम के अंदर की एक्टिविटीज़ को, यानी कि जो बुक में नॉलेज दी जा रही है, कि टीचर जो बोल रहा है कि मैं ही सही हूँ, बाकी कुछ भी सही नहीं है, बाहर से कुछ नहीं करना, ये चीज़ नहीं थी करिकुलम में। ये था कि क्लासरूम के अंदर की और क्लासरूम के बाहर की सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जा रहा था। और जो थर्ड है वो है, करिकुलम वॉज डिफरेंट फॉर जूनियर एंड हायर क्लासेस, यानी कि जो करिकुलम था ऐसा नहीं था कि वो सबके लिए ही सेम था, वो छोटी क्लासेस के लिए अलग था जूनियर्स के लिए, और हायर क्लासेस की बात करें तो वो उनके लिए अलग था। अब एक बार हम बात कर लेते हैं मेरिट्स की, तो जो मेरिट है, मेरिट्स को एक बार देख लेते हैं हम। मेरिट्स जो है, फर्स्ट मेरिट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि द लर्निंग शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, ये नहीं कि बुकिश ही हो, जैसे कि अभी बात हुई थी,
तो लर्निंग बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे हो, जैसे कि आर्ट एजुकेशन में होता है, वर्क एजुकेशन में होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जो मदर टंग है जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है, तो जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए कि सभी बच्चों को समझ आए, क्योंकि हर बच्चे एक ही फैमिली से नहीं होते, सारे डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, कईयों को इंग्लिश आती है नहीं आती, कि जैसे कि बात हुई थी कि इसमें फॉरेन लैंग्वेज और मदर टंग जो रीजनल लैंग्वेज है दोनों इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर जो मीडियम होगा वो अगर मदर टंग होगा तो सबको समझ में आएगा। थर्ड है जो मेरिट है वो है इम्प्रूवमेंट इन टीचर सैलरी, टीचर्स की सैलरी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर की सैलरी में इम्प्रूवमेंट होगा टीचर बिल्कुल मन लगा के पढ़ाएगा, टीचर हैप्पी होगा, अगर वो एक हेल्दी माइंड से पढ़ाएगा तो बच्चों के अंदर एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करेगा, तो टीचर्स की सैलरी में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब इसके आगे जो फोर्थ है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डिसिप्लिन, यानी कि बच्चों को ये ना हो कि सिर्फ बुक्स नॉलेज ही मिल रही है, बच्चों को ऐसा नॉलेज दो कि उनका जो कैरेक्टर बिल्ड करे, वो लाइफ लॉन्ग जो भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग का पूरा जो पढ़ाई हो वो ऐसी होनी चाहिए। एंड डिसिप्लिन, यानी कि बच्चों को डिसिप्लिन में भी रहना सिखाना चाहिए, बच्चों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो कहाँ बैठे हैं और उन्हें कैसे बिहेव करना है, इन सब चीज़ों की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए थी। और जो फिफ्थ था मेरिट वो था चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि जो पढ़ाई थी, जो भी पढ़ाया जा रहा था उस वक्त करिकुलम में, वो बच्चों के पे ही आधारित था, वो था बच्चों पे केंद्रित, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड था कि सभी बच्चों को समझ में आए। तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं, हम एक बार डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट डिमेरिट है वो है ओवर बर्डन करिकुलम। तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के पीछे अगर कुछ अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। तो अभी हम मुदालियर कमीशन की बात करें तो मुदालियर कमीशन की अच्छाइयाँ तो हमने देख ली, अब इसकी थोड़ी सी बुराइयाँ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो इसमें बुरी थी, यानी कि जो चीज़ें इसमें पसंद नहीं की गई लोगों को, वो था ओवर बर्डन करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम था वो ओवर बर्डन था, बहुत ज़्यादा करिकुलम था, बहुत ज़्यादा काम होता था, कराया जाता था कि बच्चे थक जाते थे। एंड सेकेंड है इंग्लिश इज स्टिल कंपल्सरी, जैसे कि स्टार्टिंग से ही बोला गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम बोल रहे थे कि हमारा पीछा अंग्रेज़ों से छूट गया, बट अंग्रेज़ों से तो हमारा पीछा छूट गया था बट इंग्लिश से तो पीछा नहीं छूटा था। तो यही है इसका जो सेकंड डिमेरिट था कि इंग्लिश इज स्टिल कंपल्सरी, कि इंग्लिश आज भी हमारे लिए उतना ही मैटर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी गलत थी। और जो थर्ड है वो है नो सजेशन फॉर वुमेन एजुकेशन, औरतों की शिक्षा के लिए कोई भी सजेशन नहीं दिया गया, तो ये एक इसका जो डिमेरिट है ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। उसके बाद जो था कि सजेशंस वर गिवन इन हैसल सो प्रॉब्लम्स वर स्टिल देयर, तो ये जो सजेशन दिए गए थे इस कमीशन के लिए वो बहुत जल्दबाजी में दिए गए थे, तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जो प्रॉब्लम्स अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो ये चार इसके डिमेरिट्स थे, और आप अगर ये आंसर शीट में लिख के आते हैं आप इसे इलेबोरेट कर देंगे, मैंने तो मेन मेन हेडिंग्स ही लिख दिया है, बाकी अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा और एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसके डिमेरिट्स थे, मेरिट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो प्लीज़ आप बिल्कुल इसे मायने में अपने फिट कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम इसका रिकैप्चुलेशन भी कर लेते हैं, हमने इतना ज़्यादा पढ़ाई किया अब इसका क्या फ़ायदा मिला हमें देख लेते हैं, इतना टाइम आपने भी दिया मैंने भी दिया, तो देखते हैं आपने क्या क्या सीखा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम आप मुझे बताएंगे। चलिए मैं आपको खुद बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा बाकी आप ट्राई करेंगे। तो जो मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम था वो था सेकेंडरी, कोशिश करिए आप बताइए, एनीवन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसका जो सेकेंड नाम था वो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अभी इसके आगे देख लेते हैं हम जो सेकेंड इसका था, तो इसका सेकेंड नेम पता चल गया व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ मुदालियर कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स वर इन मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन में कितने मेंबर्स थे ये आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी हमने डिस्कस किया था। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हेन मुदालियर कमीशन वाज मेड, यानी कि मुदालियर कमीशन कब बनाया गया था। अगला देख लेते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ मुदालियर कमीशन, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नंबर ऑफ द पेजेस ऑफ द रिपोर्ट, जी हाँ जो रिपोर्ट 1953 में सबमिट की गई थी 29 अगस्त को, उसमें टोटल कितने नंबर से पेजेस में आपको ये बताना है। एंड टेल एनी टू मेरिट्स ऑफ मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन की कोई आपको दो मेरिट बतानी है। और सेवन्थ क्वेश्चन है
टेल एनी टू डिमेरिट्स ऑफ मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन के कोई आप दो डिमेरिट्स बता दीजिए। तो आज का इतना ही हमारा सेशन, तो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि नए लोगों को भी हमारी वीडियो के बारे में पता चले और वो हमारे यहाँ से पढ़ सकें। और गाइस, आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि मैं सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आप एक बार रिकैप्चुलेशन की बात कर रहे थे, बट प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अगर आपके लिए आंसर लाया हूँ तो आप पढ़ें ही ना। तो आपको खुद भी पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ाई से समझ नहीं आएगा। आप थोड़ी देर में जाएंगे, कुछ और काम करेंगे तो शायद आप भूल जाएंगे। तो प्लीज़ आप एक बार खुद पढ़िएगा। और जो फर्स्ट वाले का आंसर था, जैसे मैंने बताया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और कितने मेंबर्स थे इस कमीशन में, तो वो टोटल 9 मेंबर्स थे। और ये कमीशन कब आया था, ये 1952 में आया था, जैसे कि बताया था मैंने। और जो इसके जो वो इसके जो चेयरमैन थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और ये जो टोटल पेजेस थे वो 311 पेजेस थे। इसमें जो रिपोर्ट थी, इसकी पूरी एक बुक भी है। और जो अगला है हमारा सिक्स, यानी कि मेरिट्स बताने थे, दो मेरिट्स। तो जो पहला मेरिट है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, और जो दूसरा है मेरिट वो है मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो मदर टंग है बच्चों की, हिंदी है वो, जो भी लैंग्वेज है वो, इंस्ट्रक्शन का जो मोड होना चाहिए, यानी कि जो मीडियम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि इसी मीडियम से ही बच्चों को पढ़ाया जाए। और जो सेवन था, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, डिमेरिट्स, पहला था कि ये जो करिकुलम कमीशन था ये ओवर बर्डन करिकुलम था इसमें, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन था इस कमीशन में। और जो दूसरा था वो था इंग्लिश इज स्टिल कंपलसरी, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जबकि हमारा देश आज़ाद हो गया था, इंग्लिश को कंपलसरी नहीं करना चाहिए था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पढ़ेगा तब तक, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये हमारा मोटिव है। तो हमें आप सबको पढ़ाना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।